अगली खबर देवास जिले से आ रही है, जहां भौरासा के ग्राम महुडी में चलती हुई नैनो कार में अचानक आग पकड़ ली। हादसे में कार सवार महिला पूरी तरह जल गई, वहीं उसका पति गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इंदौर रेफर किया गया है, दोनों इंदौर के ही रहने वाले हैं। आग की लपटे और धुआं इतना ऊंचा था कि दूर से ही घटना का पता चल रहा था। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार इंदौर निवासी 36 वर्षीय सुनील, पिता चंदर सिंह, पत्नी राधाबाई के साथ शनिवार को सोनकच्छ के महुड़ी में जीजा धर्मेंद्र चौहान से मिलने आए थे। दोनों रविवार को नैनो कार से इंदौर लौट रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। पति जैसे तैसे बाहर निकल आया, पर पत्नी कार में ही फंसी रह गई। उसकी आंखों के सामने पत्नी जिंदा जल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घायल सुनील को पहले देवास अस्पताल लाया गया, फिर इंदौर रेफर किया गया है। सुनील 70% तक झुलस गए हैं। देवास और सोनकच्छ से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई, लेकिन कार में फंसी राधा को बचाया नहीं जा सका। आग बुझने के बाद राधा का कंकाल मिला, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भौरासा थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बताया कि शुरुआती जांच में आसपास के लोगों ने चलती कार में आग लगना बताया है। आग लगने से महिला घटना का शिकार हो गई है। आग कैसे लगी, मामले में जांच की जाएगी।